हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन दिया हुआ फर्स्ट, ठीक है, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप, अगर आपको सारे मैट्रिक्स का डेफिनेशन पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। फर्स्ट है हमारे यहाँ पे ए, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू है, ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, इसको हम ए को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का एस मार्क कर सकते हो, ठीक है, और इस तरह भी देते हैं, ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ए टू द पावर एम इक्वल टू जीरो। अगर ए टू द पावर एम इक्वल टू जीरो होता है तो हम यहाँ पे इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ये आपने क्लास में किया होगा। ए स्क्वायर इक्वल टू अगर आई होता है, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई अगर होता है, इसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया। और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का मैचिंग कर सकते हो, ठीक है।